कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद हैं, बेजुबान चीख रहे हैं क्योंकि कोरोना के बीच उनके खाने पीने पर संकट जो पैदा हो गया है। जब कोई इंसान उन्हें खाने के साथ दिख जाता है तो वह इस उम्मीद से उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं कि अब तो कुछ मिल जाएगा। लॉकडाउन ने, भूख ने इन बेजुबानों को भी हिंसक बना दिया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन जीव जंतुओं की मदद कर रहे हैं, कोई कुत्ते को बिस्कुट खिला रहा है तो कुछ बंदरों को खाने का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर सांडी ब्लॉक पर देखने को मिली। हरदोई में अभी तक आरएसएस टीम तमाम ऐसे कार्य करते दिखी, चाहे वह सैनिटाइजर का छिड़काव हो या मास्क बांटने का काम या भोजन देने का काम। आज एक ऐसी ही तस्वीर आरएसएस संगठन के द्वारा देखी गई जो बंदरों को भोजन कराते हुए दिखे। दरअसल यह तस्वीर सांडी ब्लॉक की है जहां पर हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं। आज सुबह आरएसएस संगठन के 4 लोग ब्लॉक पहुंचकर वहां पर रहने वाले बंदरों के लिए खाने की व्यवस्था की। भूख से बिलबिला कर यहां बंदर आज खाना पाकर प्रसन्नचित में दिखाई पड़े और एक झुंड बनाकर खाने का आनंद लेते हुए तस्वीरों में कैद हो गए। ऐसे मौके पर आरएसएस संगठन के जिला कार्यवाहक संजीव खरे ने बताया कि विगत 4 से 5 दिनों से हम लोग इन बंदरों के खाने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि इस महामारी में इंसान तो क्या जानवर भी भूख से परेशान ना हो, और यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। सर, ये आप लोग जो है लॉकडाउन के दौरान जो है ये कार्य कर रहे हैं बंदरों की, कब से कर रहे हैं और क्या उद्देश्य क्या है इसका? ये इस समय जीव जंतु जो हैं, बंदर हैं, गाय हैं, सबका भी कोई बहुत ज़्यादा इनको चारा नहीं मिल रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं। इस कारण से ये कमज़ोर होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा ये सब लोग कमज़ोर हो गए हैं, तो वही हम लोगों के मन में विचार ऐसा आया और इसको पिछले 4-5 दिन से हम लोग बंदरों को, गऊओं को इस प्रकार से अनाज डालना और गऊओं को चारा, ये सब चल रहा है, संकीर्ण से चल रहा है।